नमस्कार दोस्तों, जीरो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे हंगरी वर्सेस इसराइल का जो T20 मैच है, तो इस मैच के बारे में। तो दोस्तों ये मैच बहुत ही ज़बरदस्त मैच हो सकता है, तो जैसे मैं वीडियो में कहूँगा तो आप लोग अगर फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है, GLB विन हो सकता है। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और दोस्तों मेरे चैनल पर जो नए आए हो, मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और GL मास्टर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होना किस प्रकार का, आप लोग जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हो उसका टाइटल का आप लोग क्लिक कीजिए, सीधा डिस्क्रिप्शन पे चला जाएगा, उधर देखिएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि उधर ही मैं अपना GL टीम प्रोवाइड कर देता हूँ जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए पहले दोनों टीमों का एक एक करके स्कोर कार्ड के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग इसराइल का स्कोर कार्ड देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया के साथ मैच था, तो इधर से पहले बैटिंग में आया था, बैटिंग किया था ओपनिंग में स्कल सोलोमन। इसका रिकॉर्ड दोस्तों ठीक ठाक है, तो ये ओपनिंग में आया था, टीम का कैप्टन भी है। वर्ना नारायणा दोस्तों 5 रन बना के गया था, और बंगेरा तो इसका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों प्रतापा श्रीवर्धना 2 रन, और इसके अलावा दोस्तों इधर से देखिए यार नगबकर तो ये दोस्तों बॉलिंग भी कर लेता है, ठीक है, तो ये ठीक ठाक ऑप्शन बन सकता है। लेकिन इस टीम का जो एक बहुत ही और बेहतरीन जो प्लेयर है वो है जॉस इवंस। इसका रिकॉर्ड बहुत ही खास है, बहुत ही बढ़िया है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से आप लोगों को शानदार पॉइंट देके जाएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन का एक चॉइस बिल्कुल रहने वाला है। बाकी दोस्तों इधर से और कोई कुछ खास नहीं है, अगर पहले बॉलिंग करेगा तो एक दो प्लेयर को बॉलर को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ऑस्ट्रिया जब चेस करने के लिए आया तो दोस्तों इधर से 110 रन से मतलब 13 ओवर से ही मैच फिनिश हो गया था। सिर्फ 3 विकेट गिरा था, विकेट जो लिया था वो है इलान टलकर दोस्तों 2 ओवर 23 रन देकर 1 विकेट, और नगबकर दोस्तों 1 विकेट लेके गया था, और जॉस इवंस 3 ओवर डाला था 1 विकेट लेके गया था। बाकी यार नगबकर दोस्तों जिसके बारे में बता रहा था, बैटिंग बॉलिंग दोनों करने वाला है, लेकिन रिकॉर्ड तो बहुत ही बढ़िया, मतलब उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन बैटिंग बॉलिंग दो चीज़ कर रहा है, तो इसलिए इसको तो हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग हंगरी का स्कोर कार्ड देख लेते हैं, जो पुर्तगाल के साथ मैच था T20 मैच में। पहले बॉलिंग किया था हंगरी का टीम, तो दोस्तों इधर से ठीक से देखिए संदीप मोहनदास, इसका रिकॉर्ड बढ़िया है, T20 इंटरनेशनल एक दो मतलब कुछ मैचेस खेले हैं, बाकी T10 तो बहुत ही ज़्यादा मतलब खेल के आया है, अनुभवी है। उसके अलावा अब्बास घानी T10 में बहुत ही बढ़िया मतलब ये परफॉर्मेंस करता है, T20 में भी कुछ मतलब खास परफॉर्मेंस है इसका, ठीक है। तो 2 विकेट लेके गया था 4 ओवर में दोस्तों, और ये ओपनिंग नहीं तो फर्स्ट डाउन बैटिंग करने के लिए भी आता है। शेख रसिक दोस्तों 3 विकेट लेके गया था, इस टीम का जो एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है, T10 में इसका बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है, और हम लोग खास करके शेख रसिक को बहुत बार कैप्टनसी देके गया था, और इस मैच में भी मतलब सेफ कैप्टनसी का चॉइस है शेख रसिक, अगर पहले बॉलिंग करेगा तो और भी इम्पोर्टेंट है। बाकी दोस्तों मोहम्मद बुरान, इसका रिकॉर्ड मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा बेहतर नहीं है, ज़्यादा खराब भी नहीं है। हर्ष मंधन दोस्तों जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग, 2 ओवर बॉलिंग मतलब 4 ओवर बॉलिंग, 2 विकेट लेके गया, तो इधर से दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस जो होगा वो अब्बास घानी होगा, शेख रसिक होगा, हर्ष मंधायन होगा। बाकी इधर से दोस्तों जो ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकता है मार्क देशपांडे, क्योंकि सामने वाला टीम थोड़ा सा वीक है, तो इसलिए ज़्यादा अगर मतलब पहले बॉलिंग बैटिंग अगर हंगरी करेगा बहुत ज़्यादा स्कोर कर देगा, तो लास्ट मतलब कुछ ओवर में मार्क देशपांडे को मतलब यूज़ कर सकता है। तो इधर से देखिए जब चेस करने के लिए आया था विनत रविंद्रन दोस्तों, जो जिसका रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, कभी कभार बॉलिंग भी करता है, तो ये अगर विकेट कीपिंग नहीं करेगा तो बॉलिंग करने के लिए आ सकता है, ठीक है, टीम का कैप्टन है, तो बहुत ही बढ़िया इसका रिकॉर्ड है। बाकी देखो अब्बास घानी दोस्तों मतलब ओपनिंग में आया था, 4 ओवर कन्फर्म बॉलिंग भी रहा था, कैप्टन का बहुत ही बढ़िया चॉइस है। हर्ष मंधायन ये भी कैप्टन का बहुत ही बढ़िया चॉइस है दोस्तों, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही कर रहा है। शेख रसिक 226 रन बना के गया था। तो इधर से दोस्तों 4 प्लेयर को इधर से आप लोगों को पिक अगर करोगे तो इधर से 3 बॉलर आप लोगों को कंप्लीट हो जा रहा है, कवर हो रहा है। बाकी दोस्तों अली हसन मिराज, मतलब अली हसन जो है इसका भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है, ये भी कभी कभार पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेता है, ठीक है। अमल जोकब का भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है, ठीक है। तो इधर से दोस्तों 4 प्लेयर को अगर आप लोग लगे तो इधर से देखिए अब्बास घानी ओपनिंग में आ रहा है, सॉरी शेख रसिक दोस्तों फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन आ रहा है, हर्ष मंधन दोस्तों फर्स्ट डाउन आ रहा है। बाकी जो इधर से देखा जाए तो विनोद रविंद्रन टीम का कैप्टन ओपनिंग में आ रहा है। तो इधर से 4 से 5 4 प्लेयर को आप लोग अगर लोगे तो 3 बॉलर आप लोगों को कवर हो रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा। बाकी इधर से कुछ 1-2 प्लेयर को आप लोग अगर पिक कर लोगे, जैसे कि इधर से संदीप
भी मोहन दास का रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, तो इसको हम लोग पिक करके जा सकते हैं। बाकी इधर से अब मोहम्मद बुरहान को कोई कुछ टीम में आप लोग पिक करोगे और मार्क देस फाउंटेन को आप लोग पिक कर सकते हो, लेकिन मोहम्मद बुरहान बेहतरीन हो जाएगा क्योंकि चार ओवर बॉलिंग डाला है। ठीक है, अगर पहले बॉलिंग करके तो इसको हम लोग लेके जाएंगे, और अगर सेकेंड इनिंग से बॉलिंग करेगा तो मार्क देस फाउंटेन को कुछ टीम में हम लोग यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं हम लोग देखेंगे, सीधा इसके बाद कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले फिर से वही बात, अगर मेरे YouTube चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं की तो जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे GLMS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों इधर से देखिए, पहले बैटिंग सेशन से विनर रविंद्र को हम लोगों को जरूर पिक कर लेना चाहिए, जैसे कि हंगेरी टीम की तरफ से पहले ले लेते हैं शेख रसिक, हर्षमन दयन और इसके दोस्तों अब्बास घनी, किधर गए अब्बास घनी। इधर से हम लोगों को चार प्लेयर अगर लोगे तो टॉप ऑर्डर का चार प्लेयर हम लोगों को कवर हो रहा है, बाकी एक दो तीन बॉलर भी हम लोगों को मिल जा रहा है। बाकी दोस्तों इधर से सोच लीजिए कि हंगरी की टीम पहले बॉलिंग कर रहा है, तब संदीप मोहन दास फास्ट बॉलिंग, सेकेंड बॉलिंग, सारे इनिंग्स में इसको रहना मतलब रखना पड़ेगा। बाकी दोस्तों इधर से बुरहान को हम लोग तब पिक करेंगे। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा हंगरी की टीम की तरफ से अभी के लिए। बाकी दोस्तों इसराइल की टीम की तरफ से किसको पिक करेंगे दोस्तों, जो इधर से ऑलराउंडर से जे इवेंट्स, जो इस टीम का एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, ऑलराउंडर है। बाकी इस सुलोमन का ठीक ठाक रिकॉर्ड है, इसको हम लोग लेके जा सकते हैं। बाकी इधर से मतलब इसराइल का जो विकेट कीपिंग उतना कुछ खास नहीं है ऑलराउंडर सेक्शन से दोस्तों, जो कौन सा प्लेयर था दोस्तों, यही प्लेयर शायद दिवेकर, नहीं ये नहीं, बैटिंग सेक्शन से बॉलिंग सेक्शन से है शायद। ठीक है, तो इसको ये जो है मिडिल ओवर पर बैटिंग करने के लिए आ रहा है, चार ओवर कॉन्फर्म बॉलिंग भी डालने वाला, तो इसलिए इसको अभी मैं पिक कर रहा हूँ। खास रिकॉर्ड इसका नहीं है लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज़ें कर रहा है, तो इसलिए इसको मैं पिक कर रहा हूँ, मतलब मिडिल ओवर बैटिंग करने के लिए आ रहा है। बाकी दोस्तों इधर से देखिए, ये जो बॉलर है ना, इसका रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, अगर ये खेलेगा तो इसको हम लोग बेझिझक पिक कर सकते हो। 1% के आसपास सिलेक्शन है, तो अगर ये खेलेगा तो 5-10% 15% सिलेक्शन हो जाएगा, तब भी ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकता है। अगर ये खेलेगा तो इसका रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो अभी तो नहीं खेला है, तो लास्ट मैच के आधार से हम लोग पिक कर रहे हैं। तो बैटिंग सेक्शन से अभी और किस खास नहीं है, तो अभी के लिए चलिए इस बांगेरा को पिक कर लेते हैं। तो एक ऑप्शन है हम लोगों के लिए, एक ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इधर से देख लेते हैं, देख लीजिए एम देस फाउंटेन को हम लोग ट्राई कर सकते हो, नहीं तो इधर से आप लोग हसन यालमच को ट्राई कर सकते हो। बाकी और कोई नया प्लेयर खेलेगा जिसका रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, उसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं एम देस फाउंटेन को ही पिक कर लेता हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन, जो स्कोर कार्ड दिखाए थे तब मैं बताया था, फिर से मैं बता देता हूँ दोस्तों, विनद रविंद्रन, शेख रसिक, हर्षमन दयान, अब्बास घनी और जे इवांस, ये पांच प्लेयर दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन का एक बढ़िया चॉइस बन जाएगा। और रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस वो है संदीप मोहनदास, अगर पहले बॉलिंग करेगा तो इसका टीम तब। ठीक है, बाकी ये पांचों प्लेयर को आप लोग रोटेशन में कैप्टन वाइस कैप्टन यूज़ कर लीजिएगा, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को छोटा सा जानकारी दे पाया हूँ, और वीडियो प्रेडिक्शन के जरिए आप लोग शानदार टीम कॉम्बिनेशन बना लोगे, बहुत ही बढ़िया विनिंग होगी, ऐसे उम्मीद लेते दोस्तों। वीडियो में इधर ही खत्म करता हूँ, मिलता हूँ इस मैच के अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।